जय हिंद साथियों, आज हम लोग महत्वपूर्ण दिनों की सूची है। इसमें आपको विभिन्न एग्जामों में देखने को मिल जाएगा 3 से 4 क्वेश्चन। तो आइए हम लोग देखते हैं। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो हम लोग इसको अच्छे ढंग से याद रखेंगे कि जो 4 जनवरी है वो विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 9 जनवरी NII दिवस या प्रवासी भारतीय दिवस, देखिए प्रवासी भारतीय हम लोग उसको बोलते हैं जो विदेश में लोग काम करते हैं, तो हम लोग उसको प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो किस तिथि को? तो 9 जनवरी को। अब लोग देखते हैं 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, तो हम लोग इसको ऐसे ढंग से याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो 10 जनवरी है विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब 12 जनवरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये क्वेश्चन रिपीटेड मिलेगा एग्जाम में। जो 12 जनवरी है वो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए 15 जनवरी, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जो 15 जनवरी है वो सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब 24 जनवरी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जो 24 जनवरी से हम लोग याद रखेंगे तो राष्ट्रीय बालिका दिवस। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, देखिए 25 जनवरी भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस दिन मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 26 जनवरी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखिए इस दिन दो हम लोग मनाया जाते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क और एक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ये आप लोग खुद परिचय होंगे, तो हम लोग ये 26 जनवरी को याद रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस और गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 जनवरी प्रलय पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय स्मरण उत्सव, यानी जितने भी प्रलय पीड़ित हुए हैं ना उनके याद में जो अंतर्राष्ट्रीय स्मरण उत्सव दिवस मनाया जाता है वो 27 जनवरी। अब 28 जनवरी को देखते हैं हम लोग विश्व कुष्ठ रोग दिवस, तो 28 जनवरी याद रखेंगे कि विश्व कुष्ठ रोग दिवस। अब फरवरी में आइए हम लोग इंट्री करते हैं, अब जनवरी का तो खत्म कर चुके हैं। अब देखिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 जनवरी विश्व, 4 फरवरी ये विश्व कैंसर दिवस, तो ये 4 फरवरी को हम लोग याद रखेंगे कि विश्व जो कैंसर दिवस के रूप में किस तिथि को मनाया जाता है, तो 4 फरवरी। अब देखिए 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय शून्य असहिष्णुता दिवस मनाया जाता है। तो 6 फरवरी जो होता है वो महिला के जननांग विकृति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय शून्य असहिष्णुता दिवस मनाया जाता है। अब 11 फरवरी को देखते हैं विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस, देखिए स्पेशली जो विज्ञान में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए इस दिन अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो किस तिथि को? तो 11 फरवरी को मनाया जाता है। देखिए 12 फरवरी को देखते हैं हम लोग, जो 12 फरवरी है वह राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, यानी राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसको भी नोट कर लेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 14 20 फरवरी ये विश्व सामाजिक न्याय दिवस, जैसे विश्व में जितने भी समाज हैं उसमें न्याय के प्रति जागरूकता आने के लिए इसमें 20 फरवरी को सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं हम लोग 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। तो देखिए साथ ही हम लोग इसको भी याद रखेंगे कि अपनी मातृभाषा को अंतर्राष्ट्रीय रूप में जानकारी के लिए 21 फरवरी को मनाया जाता है। देखिए हम लोग 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 22 फरवरी को हम लोग विश्व चिंतन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखते हैं हम लोग 28 फरवरी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब इससे एक क्वेश्चन बहुत रिपीट करता है, जो 28 फरवरी है वो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये हम लोग अच्छे ढंग से नोट्स कर लेंगे और इसको याद रखेंगे हमेशा कि जो 28 फरवरी है ना वो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं हम लोग 1 मार्च का जो है वो विश्व नागरिकता दिवस, नागरिक रक्षा दिवस, सॉरी 1 मार्च को विश्व नागरिक रक्षा दिवस मनाया जाता है, तो हम लोग इसको भी अच्छे ढंग से याद कर लेंगे। और 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, तो हम लोग इसको भी नोट कर लेंगे। और 3 मार्च को एक और रिपीटेड क्वेश्चन है विश्व श्रवण दिवस, तो देखिए विश्व वन जीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस, ये तीनों को क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन को 3 मार्च को हम लोग याद रखेंगे। अब देखते हैं हम लोग 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये मनाया जाता है, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 8 मार्च है ना वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे हम लोग। अब देखते हैं 8 मार्च को, फिर रिपीटेड है दोनों को सेम तिथि, विश्व गुर्दा दिवस, हम लोग याद रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और विश्व गुर्दा दिवस वो 8 मार्च को ही मनाया जाता है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 मार्च राष्ट्रमंडल दिवस,
जो 12 मार्च है वो राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। और 15 मार्च को देखते हैं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, जो 15 मार्च है विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखते हैं 16 मार्च को विश्व निद्रा दिवस, तो विश्व निद्रा दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो वो 16 मार्च को मनाया जाता है। अब देखते हैं हम लोग 18 मार्च को वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस, जो 18 मार्च है वो विश्व पुनर्चक्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब 20 मार्च को देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, तो हम लोग इसको भी या नोट कर लेंगे, जो 20 मार्च है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए 20 मार्च को एक और क्वेश्चन रिपोर्ट है, विश्व गोराया दिवस, देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस और विश्व गोराया दिवस, तो ये दोनों को हम लोग याद रखेंगे कि विश्व गोराया और अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस याद रखेंगे। जो 21 मार्च है वो अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस, तो जो 21 मार्च है वो अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस। और 21 मार्च को एक और रिपीटेड है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, और देखिए 21 मार्च को बहुत इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, विश्व कविता दिवस, विश्व जल दिवस, ये 22 मार्च को मनाया जाता है। देखिए 21 मार्च को हम लोग देख लेते हैं, ये 3 से 4 क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, विश्व कविता दिवस, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 22 मार्च है वो विश्व जल दिवस। ये भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 22 मार्च है ना वो विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब 23 मार्च को देखते हैं विश्व मौसम विज्ञान दिवस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो विश्व मौसम विज्ञान दिवस वो 23 मार्च को मनाया जाता है। अब 24 मार्च को देखते हैं विश्व तापेदिक दिवस, तो जो 24 मार्च है वो विश्व तापेदिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 25 मार्च को देखते हैं अंटार्कटिक दास व्यापार पीड़ितों के स्मरण में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको अच्छे ढंग से नोट कर लेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 27 मार्च को दे रहा है, जो 27 मार्च है विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे। और देखिए हम लोग अप्रैल की ओर बढ़ते हैं, और 2 अप्रैल को विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस, तो ये भी अच्छा खासा क्वेश्चन है, जो अब 2 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस। और 4 अप्रैल को हम लोग देखते हैं खानदान जागरूकता और खानदान कार्यों में सहायता के लिए राष्ट्रीय दिवस, तो ये भी अच्छा ढंग क्वेश्चन है। और हम लोग 5 अप्रैल को देखते हैं राष्ट्रीय समुद्री दिवस, तो इसको भी नोट कर लेंगे अच्छे ढंग से कि जो 5 अप्रैल है वो राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। और 7 अप्रैल को देखते हैं हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस, तो हम लोग भी इसको भी इम्पोर्टेंट श्रेणी में रखेंगे VBI में कि जो 7 अप्रैल है वो विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 10 अप्रैल को देखते हैं विश्व होम्योपैथी दिवस, जो 10 अप्रैल है वो विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 11 अप्रैल में देखते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस, तो हम लोग राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को। और 11 अप्रैल को और रिक्रिप्टेड क्वेश्चन है राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस भी मनाया जाता है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और देखते हैं हम लोग 17 अप्रैल को विश्व हेमोफीलिया दिवस मनाया जाता है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है वो 17 अप्रैल को। देखते हम लोग 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जो धरोहर दिवस है विश्व वो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अब देखिए 19 अप्रैल में देखते हैं विश्व लीवर दिवस, जो क्या होता है वो 19 अप्रैल को होता है। और 21 अप्रैल को हम लोग देखते हैं लोक सेवा दिवस मनाया जाता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और जो 22 अप्रैल है वो विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो 23 अप्रैल है वो विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। और जो 24 अप्रैल है महिला राजनीति सशक्तिकरण दिवस मनाया जाता है। जो 25 अप्रैल है वो विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन श्रेणी में रखेंगे हम लोग, जो 25 अप्रैल है वो विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं 26 अप्रैल को वो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, ये बौद्धिक संपदा दिवस किस तिथि मनाया जाता है, 26 अप्रैल को। अब देखते हैं 28 अप्रैल को कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, तो ये लोग भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और 28 अप्रैल को देखते हैं विश्व पशु चिकित्सा दिवस, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि जो 28 अप्रैल है विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। और देखिए 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस, देखिए हम लोग आयुष्मान भारत दिवस याद रखेंगे 30 अप्रैल को। अब मई की ओर बढ़ते हैं हम लोग, और 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है वो 1 मई को मनाया जाता है। देखिए विश्व अस्थमा दिवस, ये भी 1 मई को ही मनाया जाता है, जो मजदूर होगा उसका अस्थमा होगा ही होगा, जो
अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हो गया, वो 1 मई को, और उसी दिन भी मनाया जाता है विश्व अस्थमा दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और 3 मई की ओर बढ़ते हैं तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, देखिए प्रेस के प्रति स्वतंत्रता लाने के लिए वो 3 मई को मनाया जाता है। अब 8 मई को देखते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, तो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। और जो 17 मई है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। और 17 मई को हेमोफीलिया और ट्रांसफोबिया और बाईफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, तो अब इसको भी नोट कर लेंगे हम लोग। और 17 मई को एक और मनाया जाता है विश्व दूरसंचार एवं सूचना समुदाय दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और हम लोग देखते हैं 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति कार्यकर्ता दिवस मनाया जाता है। और 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, 31 मई है और तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। अब जून की ओर बढ़ते हैं और 3 जून है और साइकिल दिवस मनाया जाता है, विश्व साइकिल दिवस। तो 3 जून को हम लोग याद रखेंगे विश्व साइकिल दिवस। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो जून को हम लोग इम्पोर्टेंट याद करेंगे कि जो 5 जून है विश्व पर्यावरण दिवस, और जो 8 जून है वो विश्व महासागर दिवस। और 12 जून की ओर बढ़ते हैं जो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। और 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, 15 जून को विश्व वृद्ध जन दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, देखिए विश्व में वृद्ध जन जितने हैं उनके दुर्व्यवहार के लिए जागरूकता के लिए वो 15 जून को मनाया जाता है। और 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण संघर्ष दिवस मनाया जाता है। और जो 20 जून है वो अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो 21 जून है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, और 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। और 25 जून को नाविक दिवस मनाया जाता है। और 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ और अवैध निषेध तस्करी के लिए मनाया जाता है। और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। और 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। और 7 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारी समिति दिवस मनाया जाता है। और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। और 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। और 30 जुलाई को विश्व मानव तस्करी निषेध दिवस। आइए हम लोग अगस्त की ओर बढ़ते हैं, जो 9 अगस्त है विश्व स्वदेशी लोगो को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में 12 अगस्त को मनाया जाता है। 19 अगस्त है वो विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। और 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिकता दिवस मनाया जाता है। और सितंबर की ओर बढ़ते हैं आप, जो 2 सितंबर है वो विश्व नारियल दिवस, 8 सितंबर विश्व साक्षरता दिवस, 15 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, 16 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण दिवस, 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, और 21 सितंबर विश्व अल्जाइमर दिवस। तो अल्जाइमर दिवस ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो 21 सितंबर है अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। और 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, और 27 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस, और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस, 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस, और 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। तो हम सितंबर खत्म कर चुके हैं, अब अक्टूबर में बढ़ते हैं। और 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जनन दिवस, और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस, 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस, 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 20 अक्टूबर को विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया जाता है, और 24 अक्टूबर को विश्व संयुक्त राष्ट्र दिवस, 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस, 27 अक्टूबर को ऑडियो विजुअल विरासत के लिए विश्व दिवस, और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस। एकता दिवस की जो मनाया जाता है जो है 31 अक्टूबर को। अब नवंबर पर बढ़ते हैं, 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 9 नवंबर को कानूनी सेवाएं दिवस,
14 नवंबर को बाल दिवस, मधुमेह दिवस, 14 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस और 20 नवंबर को अफ्रीकी औद्योगिकरण दिवस मनाया जाता है। तो 20 फरवरी को इंपोर्टेंट क्वेश्चन या अफ्रीकी औद्योगिकरण मनाया जाता है। अब 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविजन डे और 29 नवंबर को फिलिस्तानी लोगों के साथ एकजुट अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और देखिए हम लोग लास्ट दिसंबर बचा है उसको रिवीजन करते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 3 दिसंबर को विकलांग के विश्व दिवस, 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस, 7 दिसंबर भारतीय सशस्त्र बल झंडा दिवस, 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस, 11 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन दिवस, 14 दिसंबर विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस, 16 सितंबर विश्व दिवस और 18 सितंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस, 23 दिसंबर को किसान दिवस और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 25 दिसंबर को क्रिसमस का दिन है। और हम लोग देखिए आज सारे दिवस को ख़त्म कर चुके और आइए आप लोग प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका कमेंट का हम लोगों का इंतज़ार रहता है और हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे अच्छे ढंग से। जय हिंद।